जय हिंद दोस्तों। ये देख रहे हैं जिस तरीके से ये मकान हम बनाने जा रहे हैं, और देखिए हमने इसके ये कॉलम रखे हैं इस तरीके से। ये गोच आ रही थी इस जगह पे, तो हमने गोच को निकाल लिया चक्कर में। ये कॉलम इस जगह पे रखा है, अब इसी में ये इस जगह पे सीधा तरीके से ये बीम जाएगा। एक ये बीम जाएगा इस जगह से, पट्टी बनोगी, ये कॉलम हो गया और एक ये कॉलम हो गया। चार कॉलम अभी हम खड़े कर चुके हैं दोस्तों। देखिए अभी ये किस तरीके से मकान है, तो मैं आप लोगों को समय समय पे भी इस मकान की वीडियो देता रहूँगा, जिससे आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोगों को समय समय पे इस मकान की वीडियो देता रहूँगा कि देखिए किस तरीके से हमने ये मकान बनाया है और किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये देख रहे हैं आपको एक बात और बता दें, ये पुरानी ईंट मकान में लगती है जिस तरीके से ये लग रही है, इस चीज़ का क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं? तो दोस्तों, इस ईंट के फ़ायदा ये है कि ये ईंट मोटी बहुत होती है। देखिए आप जिस तरीके देख पा रहे हैं, ये 1933 की ईंट है, यहाँ पे लगभग 1933 की ईंट है, तो यानी कि 93 साल पुरानी ईंट हो गई, यानी कि इसका दम निकल चुका है। तो हमें 1933 की दिख रही है, इसका दम निकल चुका है। तो ये ईंट क्या नुकसान करती है, आप लोगों को आज ये भी बताऊँगा मैं इस वीडियो में। तो देखिए जिस तरीके से दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये ईंट जगह जगह से प्लास्टर छोड़ चुकी है। पहले ये मिट्टी की चुनाई करवाई थी गारे की, और ये देखिए आप जितनी भी आप लोगों को ये छेद वगैरह दिख रहा है, ये सब जो कुछ भी है ये प्लास्टर ही प्लास्टर है। मतलब ये ऐसा प्लास्टर छोड़ देती है जिस तरीके से आप लोग ये देख रहे हैं, ये सारा प्लास्टर इन ईंट ने छोड़ दिया है, मतलब कोई भी पकड़ नहीं है। तो इस ईंट में फ़ायदा सिर्फ यही है कि ये ईंट थोड़ी मोटी होती है, तो थोड़ी कम खर्चे में आएगी पुरानी ईंट। और नई ईंट का फ़ायदा यह है कि नई ईंट की ताकत ज़्यादा होती है, ये प्लास्टर में ज़्यादा मजबूत नहीं होती। आप लगवा तो लेंगे बेशक, ओके से लगवा लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, लग जाएगी, लेकिन 2 साल या 3 साल या 4 साल के बाद में ये ईंट नहीं छोड़ने लगी। देखिए दोस्तों, ये सन 1900 की ईंट है, ये लिख लीजिए। दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आगे इसकी जगह जगह पर इंफॉर्मेशन देता रहूँगा, जैसे जैसे आप उसको काम आगे बढ़ता चले जाएगा, वैसे वैसे आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए।